सीएसआईजे कंपनी सेक्रेटरी काम करता है, कॉरपोरेट सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर। ये कोई भी कंपनी में, जैसे आज के टाइम आप सभी को पता है इंडस्ट्रीज कंपनी फर्म कितनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो जो भी सारा सामान जो हम बनाते हैं वो सारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। तो उसके लिए जो कंपनी सेटअप होती है, तो हर कंपनी में एक सीएस की नीड पड़ती है, कंपनी सेक्रेटरी, जो एक लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करता है कंपनी में। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जैसे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। सबसे पहले तो ICSI इसको कंडक्ट करवाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद जैसे इसका एंट्रेंस होता है, उसके बाद इसका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है स्टार्ट। एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद इसमें अपने को इंटर्नशिप करनी पड़ती है किसी अच्छे फर्म से, जैसे सुनील सर ने ही पता है कि अगर किसी अच्छे फर्म से इंटर्नशिप करेंगे तो अपने को आगे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है सीएस प्रोफेशनल। और इस सब में सबसे जो अहम योगदान मैं कह सकता हूँ संदीप सर का भी रहा है, और प्रिंसिपल सर और जो सारे टीचर्स हैं उन सभी का अहम योगदान रहा है, क्योंकि संदीप सर जब मैं 12th में था तो टाइम टू टाइम जैसे घर पर भी फ़ोन किया करते थे और गाइड भी क्या करते थे कि CA कर ले, CS कर ले, CMA कर ले, ऐसे सारे कोर्स के बारे में बताया करते थे। तो मैंने भी इसके बारे में रिसर्च किया, तो मेरे को CS अच्छा लगा, तो मैंने इसके बारे में करने के लिए सोचा और सर से ही पूछा, तो सर ने बोला हाँ कर ले। तो उसके बाद मैंने अपना एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी, और मैंने कोई बाहर से जस्ट कोचिंग भी नहीं ली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बाहर कोचिंग या कुछ किसी की नीड नहीं है, आप अपने फ़ोन से आप कोर्स खरीद कर आप घर पर भी पढ़ाई कर सकते हो, इसके लिए बाहर जाने की कोई नीड नहीं है। अब जो मैं ये एग्जीक्यूटिव का करूँगा, इसके लिए भी मैं कहीं बाहर जयपुर दिल्ली ऐसे नहीं जाऊँगा, घर पर ही कोर्स खरीदूँगा और घर पर ही इसकी सेल्फ स्टडी करूँगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कोई बोलते हैं कि दिल्ली जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, वहाँ अच्छी कॉलेज वहाँ रहूंगा और वहाँ पढ़ाई करूंगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ रहकर ही पढ़ा जाए, अपन घर से भी अच्छी मेहनत करके और पास हो सकते हैं। और तो बस ये कहना चाहूँगा कि और अच्छे से, और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं जो CA करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ CS के बारे में भी थोड़ा सोचो और इसके बारे में रिसर्च करो। और जो CA नहीं करना चाहते वो CS की तरफ भी जा सकते हैं, CMA की तरफ भी जा सकते हैं, इसके बारे में आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हो, Google पर भी सर्च कर सकते हो, और अपने जो टीचर संदीप सर हैं उनसे भी पूछ सकते हो, वो आपके अच्छे से गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आप जरूर लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू।